काम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को कुछ ऐसे अंदाज में करते हैं कि हर तरफ छा जाते हैं। ऐसे ही सुर्खियों में छाए हुए हैं एमपी के दमोह के धर्मपुरा वार्ड के रहने वाले हलू सिंह, जिन्होंने एक साइकिल खरीदी थी। इस साइकिल के लिए हलू ने 4,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करके रंग बिरंगी लाइट खरीदी और अपनी साइकिल को इस तरह सजाया जैसे दुल्हन हो। इस साइकिल को सड़कों में दौड़ाते हुए वो बाल काटने से लेकर लोगों की मसाज करने का काम करते हैं। हलू सिंह का कहना है कि कोरोना के वक्त उन्हें बाल काटने के लिए दुकान नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें ये आइडिया आया और अब वो रात हो या दिन हर वक्त अपना काम आसानी से कर पाते हैं। हलू सिंह के मुताबिक अब तक वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर चुके हैं। वे माँ वैष्णो देवी, बनारस और बांदकपुर धाम साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। तो हमारा नाम हलू सिंह है और दमोह धर्मपुरा के रहने वाले हैं। और साइकिल हमने इसलिए तैयार की है कि साइकिल से हम कहीं घूमने निकल जाएं, 150 किलोमीटर चलते रहते हैं, जैसे कि बांदकपुर चले जाते हैं या नरसिंगा चले जाते हैं या जबलपुर चले जाते हैं अमास पूर्णों के दिन, इसलिए क्योंकि किराया हमारे पास है नहीं है, किराया बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम साइकिल से सफ़र करते हैं। क्या अनोखा है आपकी साइकिल? साइकिल में अनोखा ये है कि इसमें लाइटें लगी हुई हैं और एक दो पेटी हमने लगाई हुई है, इसमें बैटरी वैटरी लगाए हैं, अपनी लाइट जलाते, इसमें गाना बजे, गाना वाला सिस्टम है, तो अपने गाना वाना सुन जाते, मनोरंजन करते हैं और चले जाते हैं। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं आप? परिवार में दो बच्चे हैं और एक हम हैं और एक हमारी वाइफ। क्या सोच के तैयार की आपने ये साइकिल? हमने ये सोच के तैयार की है कि आजकल पेट्रोल की बहुत मारामारी चल रही है, इसलिए पेट्रोल के पास हमारे पास पैसा नहीं है तो गाड़ी भी नहीं ले सका, इस वजह से हमने साइकिल बनाई। अब तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं साइकिल से? अब तक साइकिल से 2017 में माता वैष्णो देवी घूमे आए हम, उसके बाद अभी बनारस भी गए थे एक वक्त, बनारस भी हो आए हैं, अब दोबारा फिर जाना चाहते थे यहाँ रामचंद्र जी के जन्म हुआ यहाँ अयोध्या, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। लोकल एरियन के लिए दमोह से अर्पित की रिपोर्ट।